उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने महाकालेश्वर मंदिर के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, साथ ही उस फर्जी अकाउंट से अश्लील और अमर्यादित तस्वीरें पोस्ट की। बता दें कि मंदिर के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर अश्लील और अशोभनीय तस्वीरें पोस्ट की गई। गौरतलब है कि अकाउंट के द्वारा मंदिर की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। सुबह से ही सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया है। इसके बाद मंदिर समिति ने अपने आधिकारिक पेज पर सफाई दी। समिति ने कहा कि ये फर्जी अकाउंट उनके द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया लिंक भी शेयर किए हैं। वहीं मामले को लेकर उज्जैन पुलिस भी एक्शन में है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महाकाल मंदिर की साइट का एक फेक पेज फेसबुक पे पोस्ट किया गया था। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, उस पे महाकाल थाने में उसमें अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है तथा फेसबुक को भेजा गया है कि उसको तत्काल डिलीट कराया गया। उसके साथ ही जिस व्यक्ति द्वारा यह कृत्य किया गया है उसकी शनाख्त और उसकी पहचान के लिए साइबर एवं उज्जैन पुलिस दोनों ही सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही हम उसकी जानकारी लेकर और सख्त कार्रवाई करें। साथ ही आपको बताएं कि मामले की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने और फर्जी फेसबुक पेज को डिलीट करने के लिए नोडल ऑफिसर फेसबुक को मेल किया गया है। नोडल ऑफिसर फेसबुक से जानकारी प्राप्त होने पर उज्जैन पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए उज्जैन से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।